गाइस अभी टाइम है मॉर्निंग का और मॉर्निंग के टाइम में आज हमने ब्रेकफास्ट किया है दूध जलेबी का, क्योंकि आज है गुरु पर्व तो कुछ मीठा खाना तो बनता है। गाइस दूध जलेबी खाने के बाद मेरे हस्बैंड लेके आ गए थे आलू और खस्ता कचौड़ी जो होती हैं वो, और साथ में छोले की सब्जी भी दी थी। तो बस बाद में हमने फिर उसी का ब्रेकफास्ट किया, पहले दूध जलेबी खाई फिर बाद में वो। तो आज का दिन पूरा बस ऐसे ही रहा, खाने पीने में ही निकल गया। तो आप लोग भी इंजॉय करो। सब्जी भी और छोले भी और क्या। वाह यार, मजे आ गया। चाय बन गई? वेरी गुड। राइस लोग ले रहे हैं कहाँ से? आज तो वाले पे ले रहे हैं राइस लोग। हाँ, अब तो राइस लोग ले रहे हैं सर, मुस्कान वाले सर। वाह। मुस्कान पे भी है क्या? जलेबियाँ। अच्छा हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लाइफ विद टीना। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होगे, मजे में होगे और खूब मस्त होगे। तो आज है गंगा स्नान, तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से गंगा स्नान की और गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी टाइम हुआ है, सुबह का ही टाइम है, 10:30 बज चुके हैं। हमने नहा कर नाश्ता वाश्ता सब कर लिया है, और नाश्ते में आप लोगों ने देख ही लिया कि हमने आज जलेबी खाई है और खस्ता कचौड़ी खाई है। अभी दोपहर में बनेगी काली दाल की खिचड़ी, जो आज के दिन बनाते हैं ना काली दाल की खिचड़ी, मतलब मोस्टली सबके यहाँ पहले उसको पूजते हैं, मतलब मंदिर वगैरह में दे देते हैं पंडित जी को, या फिर जो शनिदान वाले आते हैं उनको, और बाद में फिर वो खिचड़ी खाई जाती है। तो अभी दोपहर में हम लोग बनाएंगे काली उड़द की दाल की खिचड़ी, तो वो खाएंगे। तो बस आज गंगा स्नान है, तो कुछ ना कुछ आज ही है कि खाते पीते रह सकते हैं। बहुत लोग तो गंगा स्नान पर जाते हैं अलग अलग जगह नहाने के लिए, आज के दिन बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत लोग जाते हैं, कितनी लाखों की तादाद में लोग, कोई हरिद्वार जाता है, ब्रजघाट जाता है, कोई तिगरी जाता है, मतलब अलग अलग जगह नहाने के लिए जाते हैं गंगा स्नान पर, गंगा जी के दर्शन करने और नहाने। तो हम लोग तो नहीं गए, तो सोचा कि अपने घर पर ही रहकर इंजॉय करते हैं। तो अभी तो जलेबी और खस्ता कचौड़ी का नाश्ता हो गया, दोपहर में बनेगी खिचड़ी। अभी सोच रहे हैं कि गजक और मूंगफली खाएंगे थोड़ी देर बाद। तो जैसे जैसे आज का दिन बीतेगा मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और प्लीज़ प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग को
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा करो और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर करा करो। और बस यही सब आपसे कहना था और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे। बस मैं यही आप लोगों से उम्मीद रखती हूँ। तो चलिए, आज का दिन जैसे कटेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। गाइस, दोपहर का टाइम था और जैसे ही मैं आप लोगों से बात कर रही थी तभी हमारा पार्सल आया। और ये देखो, मेरे हस्बैंड ने मंगाया है एमआई का अपने लिए फ़ोन, क्योंकि उनका फ़ोन ख़राब हो गया था, काफ़ी टाइम हो गया ख़राब हुए, तो बस उन्होंने न्यू फ़ोन ही ऑनलाइन मंगाया है। तो आप लोग भी देख लीजिए। रेडमी का 10 प्राइम एस्टल वाइट। रेडमी में 10 के अलावा 11 भी आता है क्या? 11 आता है, तो आपने 11 क्यों मंगाया? 11 लेटेस्ट है। अच्छा, पर मुझे ये ज़्यादा पसंद आता है। दिखाओ, दिखाओ ज़रा। सही है यार, सस्ते और बढ़िया। वाइट है, लग रहा है। का फोन है। यार, वैसे भी आपने ब्लैक ब्लैक बहुत चला गया, हम सबके पास ब्लैक ब्लैक ही है, बोर से हो गए। तो इस बार सोचा क्यों ना। और इसके संग है फास्ट चार्जर। अच्छा, इसका डाटा केबल किधर है? डाटा केबल नहीं आता इसमें है? इसका डाटा पहले नहीं आते थे ना एमआई में, डाटा केबल वगैरह ये नहीं आते थे। ईयरफोन आने बंद हो गए? नहीं, पहले चार्जर भी नहीं आते थे, बहुत काफ़ी पहले की बात है, जब स्टार्टिंग में चले थे शायद ये। क्या कहता है, इस पे यार वो चढ़ाना पड़ेगा। क्या हुँ? क्या चढ़ाओगे? ये देखो। ओह वाह, तो आज आपका नया फोन आया है, तो उसकी खुशी में आज आप पार्टी दोगे? बिल्कुल पार्टी देंगे। आज हम जाएंगे कहाँ? कहीं कहीं भी जा सकते हैं, बाहर कुछ खाने। क्या खाने? कुछ भी खा लेंगे, जो आप कहोगे। तो आज पार्टी होगी? आज पार्टी होगी न्यू फोन की। आज की पार्टी मेरी तरफ से। न्यू फोन चमक रहा है भाई। फोन आपका हटाओ मत इसको, अभी थोड़ा सा तो न्यू रहने दो।